प्रेगनेंसी का 8वां महीना काफी रोलर कोस्टर से भरा हुआ इमोशनल समय होता है, जहां एक तरफ आपके परिवार वाले होने वाले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं प्रेग्नेंट औरत को इस समय डिलीवरी को लेकर घबराहट हो रही होती है, खासतौर से उन्हें जो पहली बार माँ बनने जा रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी का 8वां महीना ही ये डिसाइड करता है कि आपको 9वें महीने में डिलीवरी कैसी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कौन कौन सी 8 खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कौन सी 8 खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सबसे पहली खास बात ये होती है कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर खाना खाना चाहिए, क्योंकि अब आप प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज यानी कि आखिरी तिमाही में है, इसलिए आप ऐसा खाना खाएं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हों। साथ ही आप ऐसे समय में आयरन और कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लें, क्योंकि डिलीवरी के समय आपका काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है और ऐसे में खून की कमी ना हो, इसलिए आपको अभी से ही आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में दूसरी खास बात होती है कि आप कॉफी, चॉकलेट और चाय ये सब कम से कम लें। वैसे भी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर आपको कैफीन से भरपूर चीजें जैसे कि कॉफी, चाय की मात्रा कम से कम लेने को कहते हैं, क्योंकि कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में तीसरी खास बात होती है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रेगनेंट औरत ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी तंदुरुस्त रहती है, उन्हें मेंटल पीस भी मिलता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पेट पर प्रेशर ना पड़े। इस दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकती हैं, साथ ही आप डॉक्टर की निगरानी में रहकर स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद को किसी भी तरह से थकाए नहीं और हर एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह पर ही करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में चौथी खास बात होती है कि आप खुद को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें, क्योंकि इस दौरान आपको कब्ज की समस्या रहती है, इसलिए इससे राहत पाने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिए, सुबह सुबह ताजा फलों का जूस पिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पांचवी खास बात होती है कि आप ज्यादा देर तक खड़े ना रहे। ये 8वें महीने की सबसे अहम सावधानी होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है आपके पेट और पेड़ों के इलाके में दबाव बढ़ता है। ऐसे में खुद को झुकने से बचाने के लिए आप पीछे की ओर झुक जाती हैं। इससे आपकी पीठ पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और पीठ में दर्द होने लगता है। इसलिए अपनी पीठ के दर्द को ध्यान में रखकर इस समय ज्यादा देर तक खड़े होने वाले काम आप ना करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जो 6वीं बात है वो ये है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। वैसे तो प्रेगनेंसी के इस पड़ाव पर आप बहुत सी इमोशनल चीजें फील कर रही होती है। ऐसे में हो सकता है कि आपको डिलीवरी को लेकर मन में डर बना हुआ हो, लेकिन आपको इस टाइम स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारी कुछ अच्छी अच्छी कहानियां भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पॉकेट कहानियां को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप साइड में आ रहे आई कार्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसी कहानियां देते हैं जो आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को बदल देती है। तो प्रेगनेंसी के इस टाइम पर आप अपना समय पॉकेट कहानियां को जरूर करें। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बाकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 7वीं खास बात यह है कि आप अपने सोने, उठने और बैठने की पोजीशन पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे समय में आपको उठने, बैठने और लेटने की पोजीशन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय बाईं तरफ करवट लेकर सोना सही माना जाता है। वहीं बैठते समय एकदम सीधी होकर पीठ के पीछे सहारा लेकर बैठने की कोशिश करें, इससे आपकी पीठ पर प्रेशर कम से कम पड़ेगा। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 8वीं खास बात है कि आप अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। वैसे तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को 8वें महीने में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ प्रेगनेंट औरतों को प्रीएक्लेम्सिया हो जाता है। प्रीएक्लेम्सिया वो सिचुएशन होती है जब प्रेग्नेंट औरत का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, या आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए ऐसी हालत में आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी का पांचवा महीना कैसा होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती है, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।